गाइस, वेलकम टू सुनिधि ब्लॉग्स। आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और शादियों से निपट गए हैं और अब आ गए हैं अपनी डेली रूटीन पे दोबारा से। और जो है बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, थोड़े दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था, बहुत दिन बाद बना रही हूँ आज। क्या कहते हैं, शादियाँ हो गई हैं, सब निपट गई, ठंड भी स्टार्ट हो गई है, बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं और अपना डेली रूटीन भी स्टार्ट हो गया है। आज किचन में हूँ एज यूजल और खाना बना रही हूँ। खाने में बना रहे हैं पाव भाजी। बहुत दिनों बाद बच्चे बोले कि शादियों में बहुत दिन का गैप हो गया है, तो अब आप सोचना मत कि ये अड़ंग बड़ंग ही खाते रहते हैं। और पाव भाजी इसलिए बना रही हूँ कि पाव भाजी जैसे तन्मय है, वो बड़ी चॉइस की सब्जियाँ खाता है, गिनी चुनी। तो इसमें क्या है, अपना गोभी, घिया, पेठा वेठा सब डाल के सब्जियाँ बन जाती हैं। और बस एक पाव भाजी में सारा डलता है, तो उसको वो सब्जी बहुत बढ़िया लगती है कि आज पाव भाजी बनी है। तो उसमें क्या, सारे सब्जियां भी चली जाती हैं, हरी सब्जियां वगैरह, और जो है बढ़िया भी लगती है। तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं, इस बहाने सब्जियां तो जाएंगी उसके पेट में, क्योंकि वो बड़ा खाने में चूज़ी है। और बच्चों के एग्ज़ाम भी दोनों के स्टार्ट हो रहे हैं, तन्मय के भी 10th के प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं और तनिष के भी जो है कॉलेज के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी जैसे जैसे हम आगे ब्लॉग बनेगा आपको दिखाएंगे। तो और मेरी वीडियो को, आपको ये कहना है कि वीडियो देखते हो तो वीडियो को, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। और आजकल मैं शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, तो शॉर्ट्स पे प्लीज़ लाइक कर दिया करो। ये पाव भाजी के लिए सब्जी कट कर ली है, जिसमें और पाव भाजी में लहसुन बहुत सारा डलता है। तो गाइस, पाव भाजी मसाला डाल दिया है और अब ये डाल रही हूँ मैं देगी मिर्च, MDH की देगी मिर्च। देगी मिर्च का तड़का अंगन फड़का देख लीजिए, फर्स्ट क्लास। अब इसमें सब्जियाँ डाल दूँगी सारी, कलर तो बहुत अच्छा आया है, बननी भी टेस्टी चाहिए। तो गाइस, ये मैंने सारी सब्जियों को ब्लेंडर से मैश कर लिया है, ये अपनी बन जाएगी भाजी तैयार। गाइस, ये अपनी भाजी बनके तैयार हो रही है अभी, इसमें दो चार उबाले आ जाएं फिर ही हो जाएगी रेडी। और फिर इसको करेंगे धनिए से गार्निशिंग करेंगे इसकी। गाइस, पाव भाजी बनके हो गई है रेडी और अब मैं चलती हूँ अंदर और सुनील जी से पूछती हूँ कि आप खाने में क्या खाओगे। और वो पक्का कह रही हूँ मैं, देख लेना, श्योरिटी से ये कहेंगे मैं पाव भाजी नहीं खाऊंगा। उनको ना पता नहीं बंद और ये पाव वाव से ना बड़ी प्रॉब्लम है, तो कहेंगे, वो कहेंगे मैं नहीं खाऊंगा। तो आपको भी दिखाती हूँ चल के, आइए देखिए मेरे साथ क्या कहते हैं वो। हेलो गाइस, लाइट जलाओ। यस तनिष, कोई बात नहीं, क्या होगा, दिख रहा है तो। हाँ जी सुनील जी, हेलो, खाना खा लोगे? पाव भाजी? पाव भाजी नहीं खाऊंगा। क्यों? अरे सब्जी के साथ कोई ब्रेड खाता है? अरे यार बस, सब्जी के साथ ब्रेड खाने वाली बात है। देख लिया गाइस, बोला था ना मैंने, बड़े नखरे हैं इनके, मुझे ही पता है मैं कैसे रह रही हूँ उनके साथ। बात तो सही है। हेलो, ये नहीं खा रहे? ब्रेड ऑमलेट खा लूंगा। वाओ, ब्रेड ऑमलेट। चलो ये ब्रेड ऑमलेट आप खा लोगे पाव भाजी, ठीक है? आपकी तैयारी हो रही है एग्जाम्स की? हो सही हो रही है? चलो वो तो रिजल्ट बताएगा आपका। मम्मी भूख लग रही है, पाव बना दो। बेटा बनाई भूख ही कर। भाजी तो तैयार है, आप देख सकते हैं भाजी तो रेडी है, पाव देख लो। ये इसका स्नैक्स टाइम है भी और खाना बनाया, उसका व्लॉग नहीं करा और अब हो गया नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे को धूप देख लो, बात कितनी अच्छी निकली हुई है, आपको भी दिखाती हूँ। आजकल धूप बड़ी अच्छी निकल रही है सर्दियों में, ये देखो जी धूप अच्छी निकली हुई है। और अब मैं भी जो है ना काम कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ वाइट मक्खन। आज सोच रहे हैं आज लंच में बाजरे की रोटी बनाएं और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे बनती है बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी, है ना। हम अपने घर की चक्की में देख लो जी बाजरा पीस रहे हैं। ये हमारे घर में हम चक्की लाए हुए हैं, सब चीज अपने घर की खाते हैं। चली क्यों नहीं है? ओ भाई चली नहीं गलत, टोस्टर का बटन लगा के कह रहे चली क्यों नहीं। वाह भाई वाह, वाह सुनील जी वाह। ये देखो जी चक्की चल गई है, इसमें डलता आटा और यहाँ से आटा निकलेगा, यहाँ से बाजरा डलेगा और यहाँ से आटा निकलेगा। तो गाइज, मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में अब मैं करूंगी लहसुन की चटनी की प्रिपरेशन, क्योंकि आज बाजरे की रोटी बनाएगी मम्मी। मम्मी मेरे से ज्यादा अच्छी बनाती है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है। एक दिन मैंने बनाई थी, वो भी मम्मी किसी के गीतों में गई हुई थी तो बनाई थी, तो मैंने कहा चलो भी आज आप बनाना मैं खाऊंगी। मुझे खैर ये मेरे हाथ की बाजरे की रोटी खानी है, तो एक काम कर, उससे पहले तू मेहनत करके चटनी बना सिलबट्टे पे। वो भी लहसुन की चटनी अगर आप लोग खाते हो मिक्सी में, वो अलग स्वाद आता है, और जो नेचुरल जो सिलबट्टे में देसी स्टाइल में बनती है उसका अलग, उसका अलग ही स्वाद आता है। साबुत लाल मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा जीरा और दही डाल के बनाते हैं चटनी,
उस पे। तो मैं फर्स्ट टाइम एक बार बनाई थी पहले जब मम्मी घर पे नहीं थी, तो आज मम्मी कह रही है मैं घर पे हूँ मगर चटनी तू ही बनाएगी, तो मैंने कहा चलो जी मैं बना देती हूँ। तो अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ दोबारा से लहसुन की चटनी, थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में मगर बन जाएगी। बनती है ये अपना आ गया सिलबट्टा, हो गया लोटी। तो गाइस मैंने पहन लिया एप्रन क्योंकि इसके छींटे आते हैं चटनी बनाते हुए, तो अब बनाते हैं। लहसुन ले लिया, लाल मिर्च ले लिया, थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक, नमक शमक डाल देते हैं। अब करेंगे इसको स्टार्ट। करना है तो लहसुन डाल दी, अदरक भी डाल दिया थोड़ा सा, और अब डालेंगे दही, और अब इसको ऐसे ही कर देंगे। लो जी चटनी तैयार है अपनी। गाइस ये अपनी लहसुन की चटनी तैयार है फर्स्ट। गाइज आज हमारी मम्मी बनाएगी रोटी बाजरे की और सुनील जी खाएंगे, इसलिए किचन में ये सीट मन ली है इन्होंने अपनी, ये यहीं बैठ के खाएंगे। और मम्मी कर रही है तैयारी गर्मा गर्म रोटी विद माइट मक्खन। अब आज बनाएगी सास रोटी और बेटा खाएगा, खाएगी तो बहू भी। इसको ऐसे हाथ से बनाना है जो मेरे से नहीं बनी थी उस दिन। सास बहु रोटी बनाते हुए बाजरे की, मम्मी ऐसे बेलेंगी और बेल हाथ से बना के इसको सेकना है ऐसे। व्हाइट मक्खन रखो इस पे या घी रखो? व्हाइट मक्खन। कैसी बनी है रोटी? बढ़िया बनी है। ओके तने तन में ना दे दे रोटी। तन्ने तो पाव भाजी खाएगा हम जी, वो भी इतना का वो तो बाद में खाएगा, खाएगा तो। तो भाई सुनील जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बनी है, इट्स कॉल्ड देसी खाना, बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी, कथुए का रायता होता है बट आज हमने रायता नहीं डाला, ओनली दही खा रहे हैं, और वाइट मक्खन के साथ कह रहे हैं और टेस्टी लग रही है आज। घी के रायता नंबर तो लिखे दही होना चाहिए हैं, सही है। तो गाइस खा रहे हैं बाजरे की रोटी विद चटनी। तो गाइस खाना एंजॉय करते हैं सासू माँ के हाथ का, और यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। जो आगे ऐसी मजेदार वीडियोस आती रहेंगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।